दोस्तों, जाली बनाते वक्त कुछ ऐसा बात होता है कि जैसे कि आपको समझ में ही नहीं आएगी हमने स्टार्ट कहाँ से करें। आप काफी एक्सपर्ट हैं बनाने में, करोड़ों डिजाइनिंग करने में, ट्रेसिंग करने में, फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि जाली को ट्रेस कैसे करें। आप माउस से फटाफट करने लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे भी आप कोई जाली देखें, आप उसको अपने स्क्रीन में लाएं, उसके बाद अगर आपको लगे कि इससे हम बहुत जल्दी बना सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो उसको कम से कम 5 मिनट 2 मिनट उसको टाइम दे, देखें इजी टू यूज से कैसे बना सकते हैं आप, जल्दी से जल्दी जाली कैसे बना सकते हैं और कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता नहीं कि सर इसको कैसे पेस्ट करेंगे, कहाँ पेस्ट करेंगे, कितनी बार पेस्ट करेंगे, एक पेस्ट करेंगे दूसरा मिल रहा है, दूसरा पेस्ट करेंगे तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। उस कंडीशन में आदमी कंफ्यूज हो जाता है और वो थका जाता, फिर वो सोचता है कि रेडीमेड बिट मैप से ट्रेस हो जाता तो ठीक रहता। उसी के बारे में आज बात करेंगे, उसी के लिए हम आज एक वीडियो बना रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो और देखें कि कैसे किस तरह से हम लोग जाली बनाते हैं। तो मैं हूँ अजय शर्मा, आप देख रहे हैं डैम डिज़ाइन टेक, और बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो। मैं जाली और सेंसेस रिलेटेड डिज़ाइन हमेशा लाता रहता हूँ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बताता रहता हूँ। चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि कोरल ड्रॉ में आप क्या क्या कुछ ट्रिक्स होते हैं स्पेशल, जिससे कि आप बहुत जल्दी जाली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा एक किसी कस्टमर ने दिया है कि सर इसका जाली आप बना दो, इसका डिज़ाइन बना दो। तो अब मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। पहले तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, मैंने स्क्रीन पर आपको कोई भी इमेज को लाना है उसको लॉक कर देना, पहला सबसे पहला काम यही होता है जाली बनाने का। अब इसको बनाना है, इसको कैसे क्या करना समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आप इस पार्ट्स को लेते हैं है ना, तो फिर कैसे बनाएंगे, या फिर कभी कभी क्या होगा कि आप बड़ा पार्ट को लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, इस पार्ट को लेंगे तो कहाँ से शुरुआत कहाँ से करें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है और बनाए कैसे, सबसे बड़ा चीज़ तो यही होता है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये मल्टीपल पेस्ट होगा, मगर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और कैसे पेस्टिंग करूँ, इसका मतलब कि एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है और बनाना आपको एक एक मतलब एक यूनिटी बनाना है, उसको खाली मल्टीपल पेस्ट करना है। तो उसी में कन्फ्यूज़ है कि किस आप डिज़ाइन को बनाएं कि और उसको हम पेस्ट करते चला जाए, ये एक बनाए या तीन बनाए या कौन सा क्या बनाए। तो हम थोड़ा सा इसको अल्प विराम करते हैं, अब इसको ध्यान से हम देखते हैं कि अगर यहाँ से हम बना लिया तो यहाँ से ऐसा पेस्ट कर देंगे, फिर पता चले ये बीच वाला कैसे होगा, फिर पता चले ये चारों बना लेंगे तो फिर कैसे होगा। तो मतलब आदमी का काफ़ी कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज को तो हमेशा रहेगी, मगर अब शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली में देखते हैं आदमी कंफ्यूज है कि वो हम गाड़ी को आगे बढ़ाने सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मैंने लॉक कर दिया, अब मैं एक सेटअप ही बनाता हूँ। ठीक है, इस सेटअप को बनाता हूँ। ओके, 3 पॉइंट कर्व। ओके, यहाँ से लिया यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे सेम डिजाइन है दोस्तों, एक ही तरफ को बनाएंगे, इसको पलटी ऐसा कर रहे हैं। इसको पकड़ा यहाँ, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने कलर चेंज किया कि देख लो, अब ये दोनों वेक्टर को, क्योंकि जब मल्टीपल पेस्ट होगा तो आपको जब एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा ना तो डिज़ाइन सेम ही चाहिए। अगर नीचे के लिए अलग से हम बना देते तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिफर कर जाए। ठीक है, इसलिए मैंने एक तरफ ही बनाया, वो उसी डिज़ाइन को मिरर कर दिया। अब इसको मैंने
वेल्ड किया। अब वेल्ड करने से दोस्तों ये मत समझो कि अब ये वेल्ड हो गया, कलर भर के देखो अभी पंचर है यहाँ से, ये इसका जो नोट्स है ये नोट्स ये आपस में अभी जॉइंट नहीं हुआ, वेल्ड हुआ ये दोनों, ठीक है। अब इसको जॉइंट कर देंगे, सेफ टूल पकड़ते हैं यहाँ से दोनों नोट को, देखिए जॉइंट, फिर ये दोनों को पकड़ते हैं जॉइंट। अब देखिए अब ये पंचर नहीं है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, पहले तो मैं एक यूनिट को कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। ये यहाँ से पकड़ा, फिर टॉप अलाइनमेंट टी कर दिया, फिर इसको पकड़ के लाया नीचे किया, ये दोनों को सी कर दिया, जी हो गया। अब ये चारों एक जैसा है दोस्तों, है ना। अब देखें ये बीच वाला क्या है, अभी मुझे भी नहीं मालूम ये बनेगा कैसे, मैं पर मैं पहला एक यूनिट बना लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं ना कि जो कहाँ से जो प्रॉब्लम आएगा उसको सॉर्ट आउट किया जाए। सोच सोच के आप कितना दिमाग खपाते रहिएगा। ये पकड़ लिया, अभी ये इस चारों के बीच में है ना, सी ई, ठीक है। अब आता है कि इसका आउटलाइन कैसे बने, ओके। तो ये पूरा ग्रुप किया हमने, अब कॉन्टोर टूल में जाते हैं। देखिए ये कॉन्टोर टूल हमेशा काम का चीज है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है ना। कॉन्टोर टूल में गया हम, थोड़ा सा और बढ़ाए और थोड़ा सा, ठीक है। ब्रेक पार्ट क्यों, क्योंकि देखिए इसका बहुत सारा घास फूस निकला हुआ ना, उसको ठीक ठाक करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, मगर अपने को तो जाली बनाना है, तो अंदर से बाहर वाले को पहले अलाइनमेंट कर दिया, फिर अंदर से बाहर वाले को ट्रिम कर दिया। ये हमारा एक यूनिट रेडी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपके सामने पेस्ट करता हूँ, यहाँ से उठाया मैं, ये मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, लग तो रहा कि ठीक हो गया। अब फिर एक और करते हैं, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर मतलब रिपीट, वो कभी होता है देखिए, जब आपने क्या किया, हमने यहाँ से चालू करते हैं इसको, वंडो गोल कर देते हैं, ये पहला यूनिट है। अब मैं इसी को उठा के लेकर आया, राइट बटन दबा के यहाँ रखा, और ये अभी सिलेक्टेड है, तो मैंने इसका डुप्लीकेट यहाँ किया और ये सिलेक्टेड है अभी। अब कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे तो ठीक उसी डिस्टेंस पर रिपीट होता रहेगा। रिपीट हो गया। अब टॉप अलाइनमेंट हम कर देते हैं आपस में। अब ये हमारा एक यूनिट लाइन बनकर तैयार है, अभी भी नहीं मालूम कि हम कैसे करेंगे, एक यूनिट से तो कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, हमको तो पूरा बनाना है ना। अब दूसरे के यहाँ जाता है, दूसरे के घर में, भैया हमको बनाने दो, यहाँ हम कर लिए। हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। ये थोड़ा नीचे था, इसको थोड़ा सा हम और नीचे करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या करें, ये चीज जो है ना आपको आगे जाके पंगा करेगा, तो हम क्या करेंगे अभी ये ठीक कर देते हैं इसको, नहीं तो क्या ना कि आप आपको कुछ रास्ता समझ में आ गया कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना,
तो हम इसको अभी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं ना, क्या दरकार है यार, है ना। यहां से यहां कर देते हैं, यहां से यहां इसको वेल्ड कर देंगे, क्या दिक्कत है। सी इसका सब सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, सी या वेल्ड कर देंगे। ओके, अब फिर हम इसको यहां से ओके। अब देखिए, अब आगे जाके कुछ पंगा हो उसका, उससे अच्छा है कि आप पहले ही पंगा कर लीजिए। शुरुआत में ही अगर आप सब कर लेंगे, फिर मेहनत करने के बाद उतना देर के बाद नहीं बनेगा तो मूड खराब हो जाता है। ठीक है, इसको रेड करते हैं, इसको ब्लू करते हैं। देखिए, अब हम इसको दूसरी तरफ पेस्ट करने की कोशिश करते हैं ये वाला चीज में। ठीक है, हो तो रहा है, वो तो हाँ है, मगर थोड़ा थोड़ा कहीं पंगा है। ओके, लग तो रहा है कि हो जाएगा, मगर कैसे होगा। इसको यहां से करते हैं, नहीं जहाँ था वही ठीक है। अब इसको अनग्रुप करते हैं, यहाँ से दो माल को हटा देते हैं, एक दो। अब इसको फिर हम ग्रुप करते हैं, ये ब्लू वाले के साथ सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा दो लाइन कंप्लीटेड। ठीक है, फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा हम नीचे कैसे करें। ठीक है, तो फिर मैं इसको अनग्रुप किया। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये इस तरह का प्रॉब्लम आपको हमेशा ज़िंदगी में मिलेगा। अगर आप चाली के डिज़ाइन में रहिएगा हमेशा मिलेगा आपको, समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से करें। ये दोनों ऊपर लाल वाले को मैं सेंटर अलाइनमेंट किया, अब बीच वाले को दोनों लाल के बीच में सी और ई कर दिया। अब ये सारा सेंटर अलाइनमेंट में है, अभी कहीं कुछ पंगा नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको कलर चेंज करते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और इसको अनग्रुप ऑल कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी सबको ब्लू कर देते हैं, इसको ब्लू, और ये ग्रीन को इस रेड वाले के साथ अलाइनमेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको पकड़े, अच्छा इसको अनग्रुप कर दें, अनग्रुप नीचे अलग अनग्रुप नहीं करते, इसको इस रेड वाले के साथ सी। ओके, अब इसको इस रेड वाले के साथ टी, टॉप हो गया। देखिए, ओरिजिनल रेड पीछे छुप गया, मगर आपको पीछे छुपा तो एक लाइन आपका गियर, तीन लाइन बंद तो भी, तीन लाइन का बंद तो भी गया है। देखिए, एक लाइन यहाँ से छुप गया पीछे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक लाइन छुपा है, दो लाइन बन गया आपका एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं फिर इसको ब्लू करता हूँ। ठीक है, फिर इसको नीचे जाता हूँ और इसको रेड करता हूँ, इसको अनग्रुप ऑल कर देता हूँ। ठीक है, इसको फिर इसको भी अनग्रुप कर दो भाई, इसको कर देते हैं, अरे यार फिर अनग्रुप हो जाए, इसको कर देते हैं ग्रीन, येलो ग्रीन कर दो। फिर ए रेड वाले को इस ग्रीन वाले के साथ सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, फिर रेड वाले को ग्रीन के साथ टॉप अलाइनमेंट करते हैं, फिर ये ग्रीन एक्स्ट्रा चला गया। देखिए, ऊपर उठा के दिखाते हैं, इसको कर दिया डिलीट। अब आपको समझ में आया, अब इसको उठा के लेकर आते हैं कान पकड़ के किनारे में। ठीक है, अब इसको कर देते हैं अनग्रुप, अब कर देते हैं वेल्ड, अब इसको कर देते हैं ब्लैक। ये डिज़ाइन आपका रेडी हो गया। देखिए, अब देखिए, समझ में आया। कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा वो करो, कुछ मत करो, है ना। अब ये बॉक्स लिया हमने, आपको जो भी समझ में आ रहा, अभी बॉक्स के अंदर ये डालना है माल।
ये बॉक्स को हम आपको दिखाने के लिए पीला कर देते हैं। ठीक है, इस पीले के अंदर आना है, मगर इस बॉक्स को पहले काउंटर तो करेंगे। मान लो किनारे से बॉर्डर डालते तो काउंटर टूल में गया हम लोग, आपको 3 mm को इनसाइड में बॉर्डर डाला, 5 mm को मान लो डाला, ठीक। फिर अनग्रुप ऑल किया, फिर अंदर वाले से बाहर वाले को ट्रिम कर दिया। ट्रिम ये वाला माल बचा आपको, ये येलो है आपका, इसको मैं हटाता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ। अभी बाहर वाले को इस पीले वाले के साथ इंटरसेक्ट, उससे क्या होगा कि अंदर उसका डिजाइन सेट भी हो गया, ओरिजिनल का ओरिजिनल भी रहेगा। इसको इसके साथ में सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, सी ई। अब थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं, डिक्स क्यों लेना अपने को, थोड़ा सा 1% बड़ा कर दें। समझ में आए? तो दोस्तों इस तरह से जो हमको जाली डिजाइन समझ में नहीं आ रहा था उसको भी मैंने बनाया, कितना इजी वे से, ठीक है। अब इसको आराम से आप DXF बनाओ और कोरोडो में ले जाके काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, हम पहले डिज़ाइन को लेकर आते हैं, फिर सोच समझ के इसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, नीचे की तरफ पेस्ट कर देते हैं, एक छोटा कर देते हैं, उसको कॉपी करने के बाद उस दोनों को सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, उसके बाद वेल्ड कर देते हैं, तो हमारा सारा प्रॉब्लम ये ठीक हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इतना देर से जो हम बोल रहे हैं तो आप कुछ लाइक भी नहीं कर रहे, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। ये लाइक करना और सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये फ्री है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।